विद्यार्थी बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की हिंदी का प्रसंग का क्षितिज का अध्याय कबीर पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले अध्याय में हमने कबीर की चार साखियों का भावार्थ और अर्थ पढ़ा था। आज हम इसकी पांचवी जो साखी है उससे इस अध्याय को शुरू करते हैं। कबीर कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। यहां कबीर के अनुसार हिंदू जो होता है वह राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान खुदा कहता कहता मरता है, पर दोनों ही ईश्वर को न पा सकते। अर्थात आपसी भेदभाव में पढ़कर वे इतने कट्टर हो गए कि आपस में लड़ने लगे, यानी ईश्वर को दो नामों से बांट दिया, हिंदू राम कहने लगे और मुसलमान खुदा कहने लगे, जबकि कबीर के अनुसार वो दोनों एक ही है। लेकिन आपसी भेदभाव के कारण उन्होंने कट्टरता के कारण उन्होंने बांट दिया। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सो जीवत जो तुहू के निकट न जाए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है या जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू और मुसलमान राम और खुदा दोनों से दूर रहता है, जो न तो कहता है मैं हिंदू, न कहता है मैं मुसलमान हूँ, और न कहता है राम है, न कहता है खुदा है, जो दोनों से दूर रहकर एक एक अकेले ईश्वर की प्रार्थना करता है, वही वास्तव में जीवित कहलाने का अधिकारी होता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान दोनों के भेदों के ऊपर है, यानी ईश्वर अपनी जगह अलग अलग है लेकिन उनसे ऊपर है मानवता, हमें एक साथ भाईचारे से एक साथ रहना चाहिए। यानी यहाँ पर कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से फटकारा है और सांप्रदायिकता भेदभाव दूर कर एक साथ रहने के लिए कहा है। अगले भी देखिए, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम मोटा चून मेदा भया बेठ कबीराजे। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, जब कबीर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए, तब उन्होंने मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा उनके लिए काशी हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। यानी काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, यानी जब कबीर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए तो उनके लिए मुसलमानों का जो पवित्र स्थान काबा है वह तो हिंदुओं का काशी बन गया और राम का जो नाम है वो रहीम के समान पवित्र हो गया। मोटा चून मेदा भया बेठ कबीरा जी, जिसे वे मोटा आटा समझकर अखाद्य यानी नहीं खाने जैसा समझ रहे थे, अब वही उनके लिए बारीक मैदा हो गया और वे उसे बैठकर आराम से जीम रहे हैं यानी खा रहे हैं। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू और मुसलमान और राम और रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई। अर्थात कबीर अपने लिए कह रहे हैं कि जब उनको बहुत ज्ञान हुआ, वो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठे, तो उनके मन में
तो धार्मिक भेदभाव नष्ट हो गए, हिंदू और मुसलमान राम और रहीम उनके लिए दूर हो गए, सांप्रदायिकता उनके मन से निकल गई। यहाँ पर कबीर ने धार्मिक सहिष्णुता को मृदा कहा है और धार्मिकता कट्टरता समाप्त होने पर किसी भी धर्म की बेतुकी बातें भी अच्छी प्रतीत होने लगती है, लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता दूर होनी चाहिए। हिंदू और मुसलमानों का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी के समान प्रतीत होने लगेगा। अंत में यही है कि मन में धार्मिक कट्टरता दूर होनी चाहिए। आगे वाला देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सुन। यहाँ जन्मिया का मतलब है जन्म लेने वाला, करनी यानी काम, सुबरन यानी सोना जो एक धातु होती है, और कलश यानी घड़ा, और सुरा यानी शराब। यहाँ कबीर के अनुसार यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, ऊंचे कुल का जन्मिया यानी श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, जे करनी न ऊंची न हो, लेकिन उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर जो भरी है सुरा, तो उसके अंदर जो पदार्थ भरा है वह गलत है, इसलिए उस कलश की भी निंदा ही करेंगे। चाहे हमारा बाह्य शरीर कितना ही सुंदर हो, लेकिन हमारे अंदर अगर संस्कार नहीं है तो लोग हमारी निंदा ही करेंगे। आशा ये है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और श्रेष्ठ कर्म के कारण ही मनुष्य महान कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ये कबीर का अध्याय पूरा किया है। अब आपको इस अध्याय के ये जो 7 प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन 7 प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में करने, जिनके उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहे हो उनके उत्तर आप मेरे से पूछ सकते हैं। शब्दार्थ इस पाठ के नहीं करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद।